एसएससी जीडी के उम्मीदवारों को मिला आरएलजेपी के दिल्ली अध्यक्ष राजवर्धन का समर्थन, क्या मिलेगा न्याय? नमस्कार, एफटी लाइव में आपके साथ मैं हूं सिमरन कौर। साल 2018 में एसएससी जीडी की परीक्षा में पास हुए उम्मीदवार दिल्ली के जंतर मंतर पर 10 महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि परीक्षा के सभी मानकों में उत्तीर्ण होने के बाद भी हजारों उम्मीदवारों को नौकरी नहीं दी गई। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जनरल ड्यूटी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2018 पूरी तरह से पास की थी। सभी मानकों में पास होने के बावजूद उनको सरकार की तरफ से कोई नौकरी नहीं दी गई। इसी के चलते ये युवा बेरोजगार दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने पर बैठे हुए हैं, क्योंकि जिनका कोई नहीं होता उनका जंतर मंतर होता है। इस प्रदर्शन के बारे में जब आरएलजेपी के दिल्ली अध्यक्ष राजवर्धन सिंह को पता चला तो वो तुरंत जंतर मंतर प्रदर्शन कर रहे लोगों से मिलने पहुंचे और उन्होंने पूरी बात जानी। तब जाकर उन्होंने तुरंत देश के गृह मंत्री अमित शाह को पत्र दिया और मीडिया के सामने रूबरू होकर कहा, अगर 48 घंटे में इनकी समस्या खत्म नहीं होती तो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष से तुरंत इस्तीफा दे दूंगा। और क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। इतने महीने से एसएससी के जीडी के छात्र बैठे हुए हैं, सरकार इनकी सुनवाई नहीं कर रही है। बेचारे परेशान हैं और 24 घंटे यहाँ बैठे रहते हैं। चाहे खाने की बात करें तो खाना इन तक नहीं पहुँच रहा है। बेचारे क्या हालत में है, तो इनसे पूछिएगा। आज राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ने इनके आंदोलन का राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष के रूप में मैंने इनका समर्थन किया है। और अभी से मेरे दो आदमी इनके रहने नाश्ते का व्यवस्था प्रबंध करेंगे। मेरा आवास है विट्ठल भाई पटेल हाउस, रफी मार्ग, नई दिल्ली पर। इन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत होगी, मैं 24 आवर्स इन युवाओं के साथ में हूँ। और अभी मैंने अपना एक समर्थन पत्र राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी और संस्थापक महाराणा प्रताप सेना के नाते दिया है। मैंने दोनों लेटर आदरणीय देश के गृह मंत्री अमित शाह जी को भेजने का काम किया है। और निश्चित तौर पर आने वाले 38 घंटे या बताने का काम करेंगे, या तो मैं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दूंगा, क्योंकि मैं घटक दल हूँ, या तो मैं इस्तीफा दूंगा और या इन्हें न्याय दिलाऊंगा। अगर इनकी आवाज़ पहुंचाने में मैं काबिल नहीं रहूंगा, मैं इनकी आवाज़ नहीं पहुंचा पाऊंगा। मैं एक युवा होने के नाते ये युवाओं का दर्द है, मैं इनके आंदोलन में आके 48 घंटे बाद बैठने का काम करूंगा इस्तीफा देकर। साथ सबका विकास सबका विश्वास की नीति से राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं इस आंदोलन का समर्थन करता हूं। ये सब मेडिकल पास आउट युवक युवतियां हैं। मैं 48 घंटे में अमित शाह जी से मिलकर इनकी समस्या का समाधान कराने में अगर सफलतापूर्वक समाधान हुआ तो ठीक, वरना मैं अपने पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने का काम करूंगा और इनके आंदोलन में अहम भूमिका निभाने का काम करूंगा। कनॉट पैलेस के मंदिर से दर्शन करके लौट रहा था, मैंने अपनी गाड़ी को खड़ा करा दिया। मैं अभी अपने घर भी नहीं गया हूँ, ये बिथा मुझसे देखी नहीं गई, इसलिए मैं यहाँ बैठा हूँ। 48 घंटे का समय देश के यशस्वी गृह मंत्री जी को दे रहा हूँ। मैंने पत्र उनको मेल कर दिया है। 48 घंटे में या तो वो समस्या का समाधान करने का काम करेंगे, वरना 48 घंटे के अंदर मैं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते अपना इस्तीफा दूंगा और इनके आंदोलन में शामिल हो जाऊंगा पूर्ण रूप से। एफटी लाइव के लिए ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट।